नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने जीवन में सीधा दिशा दिखाने का एक सरल साधन, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा संसाधन जो ज्योतिषीय आधार पर ज्योतिषीय परिवेक्षण को लेते हुए आपके अपने जीवन को प्रकाशमय करने का सीधा सोल्यूशन देता है। आज हम इस मंच पर आपका फिर से स्वागत करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं एक नए विषय पर। आज का विषय है गुलाब की पंखुड़ियों से कैसे किसी को आप अपना बना सकते हो। गुलाब का पुष्प वास्तविकता में किस आधार पर काम आता है, क्या सच में इसके अंदर कोई बहुत बड़ा गुण छिपा हुआ है। अगर हम सच में देखने जाएं और इसका विश्लेषण करें तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जितने भी पुष्प है सबसे ज्यादा अधिकतर माना जाने वाला, पसंद किया जाने वाला ये पुष्प है। ये पुष्प प्रेम के लिए सर्वोपरि माना जाता है। आज भी पुष्प प्रेम में इसी का चुनाव किया जाता है। इतना ही नहीं, बहुत सहजता से अगर आप से समझें तो जितने भी पुष्पों के इत्र निकाले जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा महंगा इत्र गुलाब का बिकता है। गुलाब का इत्र सबसे महंगा और सबसे स्पेशल माना जाता है। चाहे पूजा पाठ हो, चाहे अनुष्ठान हो, चाहे तंत्र हो और चाहे किसी श्रृंगार की बात की जा रही हो, चाहे वो राजसी श्रृंगार हो चाहे सामान्य श्रृंगार हो, गुलाब के पुष्पों की, गुलाब के इत्र की, गुलाब के जल की, इवन देन गुलाब का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो यूज नहीं किया जाता हो। इतना ही नहीं, गुलाब की पंखुड़ियों से मिष्ठान बनाए जाते हैं। गुलाब की पंखुड़ियों को श्रृंगार में यूज किया जाता है। गुलाब की पंखुड़ियों से अगर वास्तविकता में समझे जाए गुलकंद बना करके शांति और सहजता और दिमाग को शांत रखने का साधन बनाया जाता है। औषधियों में गुलाब की पंखुड़ियां बहुत बड़े रूप में काम करती हैं। गुलाब की पंखुड़ी, गुलाब का पुष्प, गुलाब अपने आप में बहुमूल्य है और इसका उपयोग भी बहुत पर्याप्त मात्रा में है। आपको जानकर यह बहुत आश्चर्य होगा कि गुलाब का जो जल आप समझते हो वो सबसे बिगड़ा हुआ रूप है गुलाब का। जब उसमें से सारा तत्व निकाल लिया जाता है उसके बाद जो बॉयल पानी को फिल्टर करके आपको वापस दिया जाता है उसका नाम गुलाब का जल है। उसके पहले उसमें बहुत सारी चीजें निकाली जाती, कई एक टाइप के उसमें इत्र निकाले जाते हैं। पहले एक नंबर वाला, फिर सेकंड नंबर वाला, फिर थर्ड नंबर वाला, फिर फोर्थ नंबर वाला, और सारे पुष्पों के आधार पर गुलाब में सबसे ज्यादा नंबरिंग होती है। बाकी में तो चलो एक दो नंबर, तीन नंबर के निकाल के बाकी सब अलग कर देते हैं। गुलाब ही एक ऐसा पुष्प है जिसमें कई नंबरिंग तक इत्र निकाला जाता है। सबसे महंगा बिकता है, सबसे स्पेशल माना जाता है, सबसे बहुमूल्य है और सबसे ज्यादा स्पेशल है। चाहे वो भगवान की पूजा हो, चाहे तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे पूजा हो, चाहे श्रृंगार हो, चाहे सुगंध हो, चाहे पहुंच हो, चाहे स्थापित करने की स्थिति हो, चाहे उसका स्टेटस हो, ईच एंड एवरीथिंग, सब जगह गुलाब का अपना बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं जिसका दिमाग ज्यादा गर्म रहता हो वो गुलकंद खाना शुरू कर दे तो उसका दिमाग शांत हो जाता है। गर्मियों में गुलकंद का अपना महत्व है। पान जो राजसीय ठाठ बोला जाता है, पान खाने वालों को पता है, जो मीठा पान खाते हैं वो गुलकंद डाल के खाते हैं और वो गुलकंद का सबसे मूल्य चीज वो गुल जो है वो गुलाब ही है, गुलाब से ही बनता है। तो इस पर पूरी की पूरी चर्चा करेंगे, पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि तुम्हारे अपने रिलेशनशिप में, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ में, तुम्हारी निजी लाइफ में गुलाब कहां असर आ सकता है, गुलाब का किस तरह से सदुपयोग किया जा सकता है, गुलाब को किस रूप में समझा और माना जा सकता है। इन सारी की सारे रिसर्च पर आज हम चर्चा करेंगे और आज बात करेंगे। उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी नमस्कार। हाँ गुरु जी, प्रणाम जी, बहुत आशीर्वाद, कैसे हैं आप? बढ़िया, सब आशीर्वाद है आपको जी। बताइए क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? थोड़ी सी आपकी तंगी चल रही है इस समय पे, तो उसमें थोड़ा सा दिशा निर्देश दीजिए। हाँ हाँ, एक मिनट से जी। एक बार सिर्फ आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए कृपया। 13 जनवरी 1985। 13 जनवरी 1985। अपना नाम बता दीजिए। अतुल अग्निहोत्री। अतुल अग्निहोत्री जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कानपुर से। अच्छा, कानपुर से ही बात कर रहे हैं जी। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए, आपका बहुत स्वागत है इस मंच पर। आपकी कुंडली के आधार पर आप अच्छे इंसान हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, नॉलेजेबल हैं, अपना काम अच्छी तरीके से करना जानते हैं। आप सेल्फ मेड पर्सन हैं और आपको अपना काम अच्छे से करना आता है। बस दो बातों पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, एक तो साहस और
बहुत जल्दी हैरान नहीं हो, बहुत जल्दी परेशान नहीं हो। अभी का जो तुम्हारा समय चल रहा है वो अभी से नहीं, पीछे कई महीनों से थोड़ा थोड़ा 19-20 है, और अभी 22 फरवरी के बाद से थोड़ा ज्यादा अस्थता, थोड़ी सी चीजें ज्यादा गड़बड़ हो गई है। ये आगे जाकर के 100% ठीक हो जाएंगी। तुम बने ही अपने परिवार में बहुत बड़े होने के लिए हो, तुम्हारा जन्म ही हुआ है बहुत स्पेशल कामों के लिए। तुम तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए, तुम्हारे अपने उस क्षेत्र के लिए स्पेशल पर्सन हो। आज कल परसों जब भी होगा तुम्हारा बहुत नाम होने वाला है, तुम बहुत शिखरस्थ होने वाले हो, अपने लाइफ में बहुत संपूर्ण में पहुंचने वाले हो। राजनीति के स्तर पर हम बात करें, सामाजिक स्तर पर बात करें, आर्थिक स्तर पर बात करें, आप हर एक जगह पे बहुत सक्षम होने वाले हैं। बस दो चीजों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, अभी समय ठीक नहीं है, थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, थोड़ा जल्दबाजी से बचने की जरूरत है। क्रोध, जल्दबाजी, बहुत ज्यादा असमंजसता, बहुत जल्दी परेशान हो जाने की भावना, ये चीजें आपको परमानेंटली त्याग देनी चाहिए। जी, जैसे सुधार के लिए कुछ उपाय बता दीजिए और ये अच्छा समय कब से स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी सी जो परेशानी कब से खत्म हो जाएगी। देखिए परेशानियां तो आपकी अभी निकट ही बिल्कुल ठीक होने वाली हैं। 28 अप्रैल से थोड़ा ठीक होगा जी, 22 मार्च के बाद से थोड़ा 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 गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया था, वैसे स्टार्टिंग हो गई थी फरवरी से ही जी। और आने वाले समय में अगर हम फ्यूचर की बात करें तो मई और जून जी तक थोड़ा अच्छा बुरा, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये समय क्रॉस होगा, भगवान शिव का समय आया नहीं कि तुम्हारे लिए जय जयकार शुरू हो जाएगी, जबकि तुम्हारे कार्य के क्षेत्र के हिसाब से सावन बहुत अच्छा नहीं है। जिस फील्ड में आप काम करते हो, जो आपका अपना जहां से आपकी अर्निंग होती है, उसके लिए श्रावण बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी समय कहता है, कुंडली कहती है कि श्रावण के बाद से आपके समय में बहुत परिवर्तन आएगा और आप बहुत शिखरस्थ हो जाएंगे। धीरे 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 समय अनुकूल आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, कुछ उपाय है उसको आप कृपया नोट कर लीजिए और बहुत तरीके से करिएगा, बहुत ढंग से करने की कोशिश करिएगा, उससे आपको 100% लाभ होगा। एक तो दुर्गा सप्तशती के एक स्तोत्र है, उसका पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का स्तोत्र को, हाँ, दुर्गा सप्तशती में एक स्तोत्र है सबसे लास्ट में, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बोलते हैं उसे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, हाँ जी। उसका रेगुलर पाठ कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि नवरात्रि खत्म हो गई है या नवरात्र में ही करना चाहिए, उसको आप रेगुलर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। पहला काम। दूसरा, स्नान के पानी में थोड़ा सा कुछ बूंदे सरसों के तेल की डालनी शुरू कर दीजिए स्नान के पानी में। हाँ जी जी। और अगला काम ये कि आपको हर 2-3 दिन में अपनी नजर उतारनी है, यानी अपने ऊपर से कुछ नींबू उतार करके बाहर फेंकने हैं। अच्छा, पूरा नींबू ऐसे ही? हाँ जी, पूरा साबुत नींबू उतारिए और बाहर फेंक दीजिए, नींबू उतारिए और बाहर फेंक दीजिए। कोशिश करिए कि अपने आसपास आपकी गाड़ी में, आपकी पॉकेट में एक आध नींबू पड़े ही रहे, उससे कई सारे बेनिफिट्स होंगे आपको। और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि आपके हाथ से अन्नदान होता ही रहे, इसको बिल्कुल मत रोकिएगा। अच्छा, हाँ जी। जैसे मुद्रा का दान दे देते हैं, अन्नदान क्या करेगा? अन्नदान बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो धन से क्या है, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। आपने किसी को पैसे दिए, वो जाके दारू पी आया, या कुछ नशे की वस्तु ले ली उसने, या कुछ भी ऐसा कुछ मादकता से या कुछ अनैतिक कार्यों में लगा दिया, तो वो आपका दान कुदान में जाएगा। जी। अपात्र दीयते दानम तद्दानम दानशम प्रथम, कहते दान देने से पहले पात्रता का सुनिश्चित कर ले। जी। उसके बाद दान दे। जी। तो अच्छा, सरसों का तेल ये कब तक डालना है खाने में? ये सब रेगुलर करना है, जब तक सब चीजें नहीं लगती, जब तक आपको लगने नहीं लगता कि सब ठीक हो गया है, तब तक इसको कंटिन्यूटी में करिएगा। और भगवान शिव के ऊपर 5 गुलाब के पुष्प जरूर चढ़ाइए, ये सबसे अच्छा होगा आपके लिए। सोमवार 5 गुलाब के पुष्प। जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आशीर्वाद, परमात्मा आपको शिखरस्थ करे और बहुत बलवान धनवान करे। तो आज मैं बात कर रहा हूँ गुलाब की पंखुड़ियों से, कैसे आप किसी को अपने वश में कर सकते हो। आज मैं बात कर रहा हूँ कि गुलाब के पुष्पों से किसी को अपने वश में करने का क्या साधन है, क्या तरीका है, जो इतना मूल्यवान है, जो इतना धनवान वस्तु है, जो इतनी ज्यादा
कीमती चीज है, उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे लिए गुलाब सबसे सहजता से अवेलेबल है, गुलाब के पुष्प, गुलाब की पंखुड़ियां सबसे सरलता से अवेलेबल हो जाती हैं। इनसे कैसे हम अपने जीवन में रोमांस ला सकते हैं, कैसे अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत बेहतर लेकर आ सकते हैं, मैरिटल लाइफ कैसे हमारी सुसज्जित हो सकती है, कैसे हमारा पूरा का पूरा घर परिवार सुसज्जित हो और सब बहुत आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, इसके लिए क्या उपयोग किया जा सकता है, होगा ये बहुमूल्य। हमारे लिए तो बहुत सहजता से अवेलेबल है गुलाब। गुलाब प्रेम का आइकन है। गुलाब सिर्फ और सिर्फ एक फूल नहीं है, एक दूसरे को इजहार करने का साधन है। कहते कुछ नहीं कहा जाए, कुछ बोला नहीं जाए, सिर्फ और सिर्फ गुलाब दे दिया जाए तो लोगों को पता लग जाता है कि भाई ये इनको प्रेम करता है। तो क्या कुछ ज्योतिषी आधार पर इसका सदुपयोग भी किया जा सकता है? क्या ज्योतिषी आधार पर इसका कोई ऐसा प्रयोग किया जा सकता है जिससे सामने वाला व्यक्ति अपने आप हमारा हो जाए? जब बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे केवल गुलाब देने से इजहार मान लिया जाता है, ये मान लिया जाता है कि कोई हमें प्रपोज कर रहा है, तो क्या कोई ऐसा प्रयोग भी है जिसके करने से सामने वाला अपने आप हमारा हो जाए, अनायास खिंचा हुआ चला आए? अगर कोई उपयोग होता है तो उसे कैसे किया जाना चाहिए? क्योंकि कोई भी प्रयोग, कोई भी उपयोग, कोई भी विधि, कोई भी उपाय, कोई भी सोल्यूशन तब तक काम नहीं होता जब तक आपको उसका सही ढंग नहीं पता होता। बताने के लिए, कहने के लिए बहुतेरे लोग हैं और बहुत सारी बात आपको बताएंगे और कहेंगे, लेकिन सच मानिए, वास्तविकता को समझने की कोशिश करिएगा, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। ये अपने आप में एक ऐसा बहुमूल्य क्षेत्र है। मुझे लोग कहते हैं कि आप किसी और क्षेत्र में बात क्यों नहीं करते, अगर आपने पीएचडी की है, अगर आप इतने पढ़े लिखे हो, अगर आप इतने विज्ञ हो, साक्षर हो, जानकार हो, विद्वान हो, तो भाई और भी क्षेत्र में बात करो। पहले आप करते थे, पहले मैंने आपकी कथाएं सुनी हैं, आपके प्रवचन सुने हैं, आपके भजन सुने हैं, आपको बोलते हुए सुना है, आज क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं भैया, हर क्षेत्र में लोग और भी अवेलेबल है, मेरे से ज्यादा जानकार लोग अवेलेबल है हर क्षेत्र में। केवल ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे कुछ मौलवी, कुछ मुल्ले और कुछ अजीबोगरीब लोगों को मूर्ख बनाकर काम कर रहे हैं, तो लगता है इस क्षेत्र में ज्ञान देने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है तो चिंता नहीं, फिर बात करेंगे। ये नंबर 24/7 अवेलेबल है आपके लिए। और खास बात, इस नंबर पे जब भी आप कॉल करें, पहले तो सिर्फ इसी पे कॉल करें, इस नंबर पे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को पूरा फॉलो करें। और हम रोज तो तुम्हें फ्री में उपाय बता ही रहे हैं ना, तुम क्यों इतना परेशान हो, तुम क्यों चिंता करते हो? हम तुम्हारे लिए रोज अवेलेबल हैं, हम नित्य आपके लिए कुछ काम कर रहे हैं। हमारे पास लगातार कंटिन्यू कॉल पे कॉल आ रहे हैं, हम बात कर लेते हैं एक नए कॉलर से, देख लेते हैं किनकी किस्मत जागने वाली है और किनके किस्मत में गुलाब की पंखुड़ियां कुछ नई दिशा लेकर के आ रही है। नमस्कार। प्रणाम गुरुदेव, बहुत आशीर्वाद न्यू दिल्ली से, बहुत बहुत आशीर्वाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया गुरुजी, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत बढ़िया। कैसे आपका नंबर लग गया? लोग शिकायत कर रहे हैं कि नंबर नहीं लग रहा, नंबर नहीं लग रहा, कैसे लग गया आपका नंबर? ये सब भगवती की माया गुरुदेव। बहुत धन्यवाद, बताइए क्या 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 मदद करूं आपकी? बहुत स्वागत करता हूं आपका सबसे पहले, और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने खुले मंच पर अपनी बात रखने की चेष्टा और इच्छा रखी, बताएं। थैंक यू सो मच गुरुदेव। मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब लगेगा? गवर्नमेंट जॉब, अच्छा, बहुत बढ़िया। अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 25 मई 1984। टाइम? 6:30 शाम में। और समस्तीपुर बिहार। तो और भोजपुरी बोला तारा की मैथिली? मैथिली बोला था नहीं। अच्छा अच्छा, तो की कराई थी? ठीक थी। हाँ ठीक थी। चलिए, बहुत बहुत मधुर और बड़ी सुगम भाषा है। कहते हैं पूरब का ज्ञानी, पश्चिम का दानी, दक्षिण की रानी और उत्तर का पानी बड़ा मशहूर है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई ईस्टर्न साइड से बात करता है, क्योंकि बनारस भी उत्तर में ही, सॉरी पूरब में ही पड़ती है, इसलिए मुझे ये बात याद आ गई। मेरा ज़्यादातर ध्यान इस कैलकुलेशन में, इसलिए बातें थोड़ी डिगमगा रही हैं। जी, हाँ जी। तो आपकी कुंडली के आधार पर अगर मैं बात करूँ, आदित्य झा नाम बताया आपने। जी गुरुजी। ज्योतिषी आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो साहब आज आपको ना करना पड़ेगा, आपके अपनी सरकारी जॉब के
बजाय आप अपनी कोई प्रैक्टिस कीजिए, अपना कोई निजी कार्य कीजिए, कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे समाज को एक नई दिशा मिल सके, कोई ऐसा काम करिए जिससे सामाजिक स्तर पर आप लोगों की मदद कर सके और लोगों के दुख दूर कर सके। आपकी कुंडली कहती है कि आप अपने आप पे एक महापुरुष योग लेकर के बैठे हैं, आपकी अपनी कुंडली में बहुत बृहद योग और बहुत अच्छे ग्रह नक्षत्र है, इस पर आप सामाजिक कोई कार्य कर सकते हैं, सामाजिक उत्थान के लिए काम कर सकते हैं, सामाजिक स्तर पर कोई बहुत महत्वपूर्ण बढ़िया योगदान निकाल सकते हैं और आप लोगों के लिए एक आइकन बन सकते हैं। आप ज्ञानी हैं, आप धार्मिक हैं, आप विज्ञ हैं, आप साक्षर हैं, आप विद्वान हैं, आप चीजों को जानने और समझने वाले हैं, आपकी कुंडली बहुत स्पेशल है। आप क्यों सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं? सरकारी जॉब उन बच्चों के लिए छोड़िए ना जो सिर्फ और सिर्फ यही कर सकते हैं, आप तो और कई सारे काम कर सकते हैं। जी गुरु जी, मैं वैसे इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ज्योति का ही। ओहो, अच्छा, आप ज्योतिषी भी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बेहतर, क्या बात है, तो ये तो और अच्छी बात है। मतलब आप अगर ज्योतिषी हैं तो आप ज्योतिष पे ही अपना काम करें, बहुत जरूरत है भाई अच्छे ज्योतिषियों की इस देश में। देखिए एक बात समझिएगा, ज्योतिषी बहुत है, ज्योतिष में काम करने वाले भी बहुत हैं। आज बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे बच्चे और पता नहीं कौन 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 ज्योतिष पर बहुत सारे लोग काम करने लग गए। ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वास्तविकता में समझना कि अधजल गगरी छलकत जाए वाली कंडीशन है, लोगों को ज्ञान कम है और बखानना ज्यादा है। तो अच्छा है कि अगर आप इस दिशा में काम कर रहे हैं तो मेरा आशीर्वाद है कि आप अच्छे ज्योतिषी बने। आप कब से देख रहे हैं आप मुझे? जी, मैं 2 साल से देख रहा हूँ। ओह माय गॉड, 2 साल बहुत बहुत बड़ा लंबा समय होता है। बहुत बहुत अच्छा हो आपका और आप कोशिश करें। मैं वैसे बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ एक ऐसा YouTube चैनल जिस पर सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषियों को हम स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ज्योतिष में अभिरुचि है और वो थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक ज्योतिष के ऊपर एक मंत्रणा प्रारंभ की जाए, है ना? अच्छा गुरु जी, जो ज्योतिष लाइन में किस लेवल तक का सफलता मेरी कुंडली से दिख रहा है? नहीं, कुंडली के आधार पर तुम अच्छे सफल व्यक्ति दिखते हो, मुझे लगता है कुंडली से आप बहुत अच्छा जाओगे, क्योंकि एक सबसे बढ़िया बात है आपकी कुंडली में जो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपके अंदर एक बढ़िया सच्चाई की झलक दिखती है। ज्योतिषी वही अच्छा हो सकता है जो स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भगवान की कथा में तुलसीदास इसलिए सफल हो गए क्योंकि उन्होंने पहले अपने लिए लिखा, किसी और के लिए नहीं लिखा। आपके अंदर जब इतनी जिज्ञासा है, इतनी इच्छा है कि आप अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखा रहे हो, तो साहब तुम्हें ज्योतिषी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप रिसर्च कर रहे हो, आप बार बार लोगों से बात करके अपनी चीजों को जानना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो हर ग्रह को, हर नक्षत्र को बारीकी से, तब आप समझ सकते हो जब आप खुद के ऊपर उतारना शुरू करोगे। अच्छा खामशामा वो है जिसके घर वाले उसकी बड़ाई करेंगे, बड़ा अच्छा भोजन बनाता है। अच्छा पहलवान वो है जिसके घर वाले कहें भैया ये तो हर दिन भर कसरत ही करता और कोई काम ही नहीं इसके पास। जब तक आपके आसपास के लोग और आप स्वयं उस चीज में रंग नहीं जाते, क्योंकि तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभो स्वीकुरु, तांबूल ऐसा नहीं खाना जिससे केवल होंठ लाल हो जाएं, तांबूल ऐसा खाना जिससे अंदर तक लाल हो जाए, है ना? तो आपके अंदर सच्चाई की एक बढ़िया झलक दिखती है और पता लगता है कि तुम सच्चे इंसान हो, पता लगता है कि तुम्हारे अंदर ईमानदारी है, पता लगता है तुम पढ़ना और सीखना चाहते हो, पता लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी झलक है कुछ जानने की, कुछ कुछ लालायता आपके अंदर दिखती है कुछ और ले लेने की। जब तक तुम्हारी ये भूख जिंदा है तब तक तुम्हें और अच्छा होने से कोई रोक नहीं सकता। बस आप लोगों का आशीर्वाद गुरु जी। नहीं नहीं, पूरा आशीर्वाद है, परमात्मा आपको बेहतर करे, क्योंकि कुंडली के आधार पर लगता है कि अभी आप विगत कुछ कुछ वर्षों में ही आपने अभी बस जस्ट दाम्पतिक जीवन में कदम रखा है। आप दंपतियों के सहित दोनों मिलजुल कर इस कार्य को आगे बढ़ाइए, बेहतर कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपके विवाह का मतलब होके हुआ है भी नहीं हुआ, क्योंकि कुंडली के आधार पर हो जाना चाहिए। 9 मंथ हुआ है अभी। अच्छा 9 महीने, तो अभी तो मतलब आप बहुत अर्ली मैरिड हो, मतलब अभी तो आप कपल हो, एंजॉय करो और कोशिश करो अच्छे काम करने की। पर सरकारी जॉब के लिए आप इच्छा अपनी त्याग दीजिए, ऐसा कोई योग फिलहाल बहुत प्रबल नहीं दिखता। आप व्यक्ति हो, विद्वान हो, क्रैक कर सकते हो, लेकिन स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिखती। स्थितियां अच्छी दिखती हैं आपके प्रैक्टिस में, उसमें आप थोड़ा और जोर लगाइए, थोड़ा दम लगाइए, थोड़ा अच्छे से करिए, थोड़ा और ताकत से कीजिए।
ठीक है हनुमान जी की उपासना करिए, क्योंकि ज्ञानी नाम अग्रण्यम बोलते हैं उनको, वो ज्ञान बढ़ाएंगे आपके जीवन में, उनका जितना ज्यादा हो सके, जैसे गुड़ और थोड़ा सा गुड़ और गेहूं का भोग लगाइएगा, गेहूं भुने हुए हो तो बहुत अच्छा, उनको लंगोटा खड़ाऊं जनेऊ और एक पताका चढ़ाइए, और कोशिश करिए कि उनको और ज्यादा प्रसन्न करने की कोशिश करें, मंगलवार शनिवार सुंदरकांड का पाठ करें, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, बंदरों को केला या चने खिलाएं तो अच्छा होगा आपके लिए। बहुत धन्यवाद आपने कॉल किया इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है वशीकरण, वशीकरण वो भी गुलाब की पंखुड़ियों से, गुलाब की पंखुड़ियों से कैसे वशीकरण किया जा सकता है, किसी को अपने वश में कैसे किया जा सकता है और कैसे किसी को अपनी तरफ खींचा जा सकता है, क्या गुलाब की पंखुड़ियों में इतनी ताकत है सच में। अब आप इस बात को थोड़ा इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि ये कैसा पुष्प है जिसको आपको समझना होगा कि ये बना ही प्यार के लिए है। जब इसका निर्माण किया गया, जब इसके बारे में शोध किया गया, जब इसको रिसर्च किया गया, ये पुष्पों का राजा क्यों बनाया गया, पुष्पों का राजा बनाया जाता तो लोग वहां तक भी बात ठीक थी, इसको प्यार के लिए सबसे महत्वपूर्ण निशानी बनाई क्यों गई, इसके पीछे बड़ा शोध है, बड़ा रिसर्च है। यह असल में एक ऐसा पुष्प है जो किसी भी सूरत में कभी भी नष्ट नहीं होता, ये आयुर्वेद से लेकर के राजसी आनंद से लेकर के रोमांटिक माहौल से लेकर के प्यार तक कंप्लीट वर्क करता है। आपने जितनी बार भी कभी कोई पिक्चरों में रोमांटिक सीन देखा होगा, उस सीन में आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई हैं। आपने जब भी कोई रोमांस की चीजें देखी होंगी, जहां पर भी अगर आप कभी भी किसी ऐसी जगह जाएं जहां पर कुछ रोमांटिक माहौल बनाया जा रहा हो या बनाने की कोशिश की जा रही हो, वहां आपको गुलाब के पुष्प के बजाय बिना उसके दूसरा कोई साधन दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो समझ जाइए कि रोमांस अभी अधूरा है। एक तो इसका अपना रक्त रंग, इसका जो रंग है सुर्ख लाल, इसका रंग अपने आप में लाल कलर के पुष्प और भी हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो गुलाब में है। गुलाब की पंखुड़ियों को छू करके देखना, उसमें एक मखमली टच है, उसमें एक एहसास है, उसमें एक टच है और एक ऐसा राजसीय टच लगता है जब आप उसे स्पर्श करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये प्यार के अलावा दूसरी चीज में हो ही नहीं सकता। दूसरा एक प्रयोग और एक तरीका आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। गुलाब एक ऐसा पुष्प है जिसको अगर आप जल में डालें तो आप देखिएगा कि पानी का प्रभाव उस पुष्प के ऊपर कभी नहीं पड़ेगा, आप जैसे डालेंगे वैसे ही बाहर आ जाएगा, ना उसमें किसी चीज का असर आता है और ना ही उससे किसी चीज में असर जाता है जब तक उसको पूरी तरह से नष्ट न किया जाए। प्यार ऐसा ही होता है, प्यार बिल्कुल इसी प्रकार का होता है। जब आप किसी को प्रेम करते हो, उससे ज्यादा सुंदर, उससे ज्यादा रिच, उससे ज्यादा संभ्रांत, उससे ज्यादा कुछ भी आपको मिल जाए, फिर भी आपको नहीं चाहिए होता, क्योंकि आपको अपना प्यार चाहिए होता है। ये बात गुलाब में खास तौर पर देखी जाती है। गुलाब अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जो सीधा बना ही प्रेम के लिए है, इसे राजाओं से लेकर के रंक तक हर कोई इस्तेमाल करता है। दुनिया का पहला पुष्प है जिसे राजा और रंक एक साथ यूज करते हैं, जैसे ऑर्किड का पुष्प है वो थोड़े रिच लोग ही यूज करते हैं, सामान्य लोग यूज नहीं कर पाते, लेकिन गुलाब हर कोई यूज करता है। गेंदे का पुष्प सामान्य लोग थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं, बड़े लोग कम करते हैं, लेकिन गुलाब एक ऐसा पुष्प है जिसे सामान्य से लेके असामान्य तक हर कोई इस्तेमाल करता है। ऐसा कोई देवता नहीं है जिस पर गुलाब ना चढ़ता हो, क्योंकि ये तो अमलया भक्ति है ना, भक्ति यानी प्रेम, प्रेम यानी भक्ति, इबादत, प्रेम, साधना, ये सब एक ही चीजों के नाम है। भक्ति परायण यस्यास्य देवो तदाश्मरामि तव प्रेम गुंथे, ये प्रेम की ऐसी व्यवस्था है जो अंतरंग करती है अपने आप को। और कभी गुलाब को बड़ा ध्यान से देखना, गुलाब का पुष्प खींचता है अपनी तरफ, उसमें एक अद्भुत आकर्षण है, उसमें एक अद्भुत ताकत है। गुलाब ही एक ऐसा पुष्प है जिसके साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया, गुलाब ही एक ऐसा पुष्प है जिसमें बहुत एक्सपेरिमेंट करके उसके कलर चेंज किए गए, लाल से पीला, पीला से गुलाबी, गुलाबी से बैंगनी, बसंती, बड़े सारे रंग बनाए गए उसके। ये किसी और पुष्प के साथ नहीं किया गया, गेंदे के साथ ऐसा नहीं किया गया, गेंदे को बड़ा छोटा बनाया गया लेकिन उसके साथ ये प्रयोग कोई नहीं कर पाया, पर गुलाब के साथ ये प्रयोग किया गया, क्योंकि प्यार में प्रयोग संभव है, भक्ति में प्रयोग संभव है। भक्ति में आप एक पैर पर भी साधना कर सकते हो और दोनों पर भी,
जल में खड़े होकर के कर सकते हो और जंगल में भी। मंत्र जाप आप माला से भी कर सकते हो और अपने मन में भी। तो भक्ति में, प्यार में संभावनाएं है बहुत सारी, संवेदनाएं, संभावनाएं, सूचनाएं बहुत सारी है। वैसे ही गुलाब के साथ है। गुलाब की प्रशंसा में कुछ प्रश्न रहता नहीं, गुलाब की प्रशंसा में कोई शब्द रहता नहीं। गुलाब अपने आप में संपूर्ण है, गुलाब अपने आप में कंप्लीट है। गुलाब वो चीज है जिसका प्रयोग अगर सही तरीके से किया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में हर कुछ प्राप्त कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो पाया नहीं जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुलाब दिला नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुलाब की वजह से नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप गुलाब को सही तरीके से करें और उसका आपको फल ना मिले। फल नहीं मिलने का सिर्फ एक कारण होगा, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निरंतरता, तुम्हारा तरीका, तुम्हारा ढंग। तुम केवल अपनी समस्याओं के वशीभूत होकर के जबरन कोई काम करो तो शायद ना हो, पर अगर पूरे नियम कानून पद्धति के साथ करते हो तो गुलाब का प्रयोग फेल होने की संभावना ना के बराबर है। अभी तक हमने जितने भी प्रयोग, जितने भी सोल्यूशन, जितने भी उपाय पहले बताए हैं वो कभी ना कभी चेंज हुए। हो सकता है उनका प्रभाव कम ज्यादा रहा हो, लेकिन गुलाब के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती। गुलाब है तो प्रेम है, प्रेम है तो गुलाब है, गुलाब है तो संभावनाएं पूरी की पूरी बनती। इस बारे में और चर्चा करेंगे और विधिवत इस पर विस्तार से आपको बताएंगे और अब सोल्यूशन की ओर भी बढ़ेंगे। उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार बंदी जी। हाँ जी नमस्कार बेटा जी, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। जी बिल्कुल बढ़िया, बताएं। जी मैं अलीना दिल्ली से बोल रही हूँ, मुझे पता करना था, मैं किसी से प्यार करती हूँ बहुत। अलीना तो भी मुझसे प्यार? हाँ जी अलीना। अरे वाह बहुत बढ़िया, कब से देख रही हैं आप हमारा YouTube चैनल? ये मुझे 2-3 महीने हो गए हैं आपके, सारे मैं वीडियोस देखती हूँ। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मेरा नाम अलीना है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं जिनसे प्यार करती हूँ ना, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, वो भी मुझसे प्यार करते हैं, क्या मेरी शादी उनसे कब तक हो पाएगी? अपना एक बार डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए कृपया। 11/7/1991। टाइम बताइए। सुबह के 4 बजे। जन्म आपका दिल्ली में हुआ? हाथरस। हेलो, एक बात ध्यान से समझिए कि आपका अपना प्यार, आपकी अपनी चाहत, आपकी अपनी जितनी भी साधना और आपकी जो इबादत है वो पूरी तरह से सच्ची है, पूरी तरह से निष्ठावान है। बस थोड़ी सी अव्यवस्थाएं हैं, थोड़ी सी रुकावट है, थोड़ी सी ऐसी दिक्कतें दिखती हैं जिस वजह से काम रुक रहा है, अवरोधित हो रहा है। आपके अपने ग्रह नक्षत्रों की वजह से सामने वाला आपसे दूर हो रहा है। कृपया अपनी ईमानदारी, अपने ग्रह नक्षत्र और अपनी चीजें ठीक करें, उसके बाद आपको पूरा लाभ मिलेगा। एक बात बताइएगा, आपका अपना मन हिंदुत्व में ज्यादा लगता है क्या? जी बिल्कुल ठीक है। आपके सपने में देवी देवता दिखते हैं? जी। आपको याद होगा पीछे काफी दिन पहले आप कुछ धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती थी, हिंदू वाली, उसे आपने बंद कर दिया? जी। जब से बंद किया तब से ज्यादा दिक्कत है क्या? हाँ जी दिक्कत तो है, मगर एज अ मुस्लिम मुझे समझ कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, क्योंकि क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ नहीं आता। जब मुझे किसी ने राय दी थी, ये मशवरा दिया था, तो मैंने ये काम किया और मुझे उससे अच्छा महसूस हुआ था, मेरे काम भी काफी बने थे। एंड जब मेरे को लगा कि सब लोग कंफ्यूज करते थे, वो कहते तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, पाप चढ़ेगा, कभी कुछ कहते थे, तो मैंने वो बंद करके फिर इस वाले में आके फिर ये चीजें शुरू कर दी और मेरा सब कुछ मतलब नुकसान का होता गया है और मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं उलझती जा रही हूँ, जैसे दलदल में फंसा जाता है। निश्चिंत हो जाए, देखिए पाप पुण्य कुछ नहीं होता, आपका मन आपका हृदय जिस चीज में लगे उसे करना चाहिए। जिस जहां से भी जिस भी रूप में परमात्मा का नाम है ना, वो तो कोई भी रूप में लिया जा सकता है। जी जी, मगर ये मुझे बता दीजिए गुरुजी, क्या मेरी इनसे शादी हो पाएगी, कब तक हो पाएगी? संभावनाएं है, पर उसको पूरा करने के लिए आपको लगना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे, अपने आप कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका केस बिगड़ा हुआ है। आपसे वो दूर होता है पास आता है, दूर होता है पास आता है, मतलब बार बार ऐसी चीजें होती है कि हाथ से अब निकल गया और फिर आ जाता है, फिर आ जाते हैं, ऐसी होता है। तो ये चीजें तब ठीक होंगी जब आप पूरी तरह से अपने ग्रह नक्षत्रों को अनुकूल करेंगे, वरना ये आपकी चले गए तो फिर आना मुश्किल है। नहीं नहीं, वो मैं सब कुछ करूंगी गुरुजी, जो आप कहोगे मेरे को बताइए, मेरे को
जो आप कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता मुझे कौन सी पूजा करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। एक तो जो भी आप पूजाएं कर रही थी उसको कंटिन्यू करें, भगवान शिव की आराधना करें, गणेश जी और भगवान शिव आपको बार बार दिखते हैं, बार बार वो आपको सपने में आते हैं और आपको उसके प्रति कहीं ना कहीं आदर सम्मान बढ़ाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी मैं स्टार्ट कर दूंगी। और वो मुझसे प्रेम करते हैं? बिल्कुल प्रेम करते हैं साहब, प्रेम नहीं करते होते तो आपका रिलेशन कैसे चलता, क्योंकि कुंडली के हिसाब से आपका एक ही रिलेशन बहुत लंबे समय से चल रहा है। जी जी यही चला है। हाँ जी, जो अभी चल रहा है। हाँ जी, भविष्य में मेरे हस्बैंड बन सकते हैं, मतलब ये अगर तुम चाहो, अगर मैं पूरी कोशिश करती हूँ, अगर तुम चाहो तो हाँ, अगर तुम प्रयास करो तो पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं 7 साल से कोशिश ही कर रही हूँ। तो बस आप निश्चिंत रहो, आपकी 7 सालों की कोशिश अब 7 महीनों में नहीं बल्कि 7 हफ्तों में ठीक हो जाएगी। अभी मेरा मन बड़ा बेचैन रहता, मुझे 1 मिनट में घबराहट हो जाती है, 1 मिनट में कुछ हो जाता है। अपने आप को शांत रखने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप फिर से पूजा पाठ शुरू करें, फिर से धर्म को अपनाएं और पूरी कोशिश करें कि आपका मन, आपका हृदय जिस चीज में लगता है उसको आप कंटिन्यूटी में करें। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप एक लाल कपड़े में 5 काली हल्दी की गांठ, 5 कौड़ी, 5 सुपारी, थोड़ी सी खड़ी धनिया और 5वीं चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसको रत्ती बोलते हैं, रत्ती भी बोलते हैं और उसको घूंचू भी बोलते हैं, ये 5ों की 5ों चीजें बांधकर अपने सिरहाने रखें या अपने पर्स में रखें या अपने पास परमानेंट रखने की कोशिश करें। ऐसा करने से निगेटिविटी समाप्त होगी, आपके मन में शांति बढ़ेगी और आपका काम जल्दी हो पाएगा, समझ रही हैं आप। राइट हैंड के अंगूठे में थंब रिंग जरूर पहनिएगा, नहाने के पानी में फटकरी डालिए, कोशिश करिए कि आपके अपने खान पान में सात्विकता रहे, नकारात्मक चीजें मत खाइएगा, मांस मदिरा सिगरेट ये सब चीजें आपको त्याग देनी चाहिए, क्योंकि आपकी आत्मा आपका मन स्वीकार नहीं कर रहा है। जी ये बिल्कुल ठीक है, मुझे मैं खाती तो हूँ मगर मुझे अजीब सा महसूस होता है। तो आप ये सब बंद कर दें, कोशिश करें कि सही और सात्विक तरीके से अपना जीवन यापन करें और अच्छे से रहें। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत साधुवाद, परमात्मा आपको अपने लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशन में सफलता प्रदान करें। धन्यवाद आपका। बात हो रही है आकर्षण बढ़ाने की, बात हो रही है प्यार को पाने की, बात हो रही है रिलेशनशिप को बहुत बढ़िया बनाने की। इसका माध्यम होगा गुलाब का पुष्प, गुलाब की पंखुड़ियां। गुलाब की कुछ पंखुड़ियां जीवन को महत्वपूर्ण बना सकती हैं। गुलाब की पंखुड़ियों से वशीकरण बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है, गुलाब की पंखुड़ियों से अपने जीवन को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। नोट कर लीजिए वो उपाय, जान लीजिए वो साधना, जान लीजिए वो तरीका जिससे ये सारी की सारी चीजें बेहतर बनाई जा सकती हैं। आपको करना सिर्फ इतना होगा, आपको कुछ गुलाब की पंखुड़ियां लेनी है, कुछ गुलाब के पुष्प आपको यूज करने हैं इस काम में। इस कार्य के लिए कम से कम आपको 21 दिन चाहिए होंगे, या तो 21 शुक्रवार या तो शुक्रवार से लेकर के 21 दिन तक, ये 2 तरीके हैं, 2 माध्यम हैं। जितना बड़ा काम होगा उसके आधार पर यह कार्य आपको करना होगा। गुलाब की पंखुड़ियों को एक साथ समूह में रखिए, किसी भी ऐसे खुले पात्र में रखिए, बड़ा बाउल लीजिए, उसमें गुलाब की पंखुड़ियां खूब अच्छी तरीके से रख दीजिए और उसके ठीक नीचे अपने दोनों लोगों की फोटोएं अंदर डाल दीजिए। गुलाब की पंखुड़ियां सूखने दीजिए, उसमें से हर दिन कुछ पुष्प की पंखुड़ियां उठा करके अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कीजिए और उसको बार 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 फुल करते रहिए। जितना निकालिए उतना डाल भी दीजिए। ये काम आपको 21 देश तक करना है, शुक्रवार से शुरुआत करनी है। इसको और ज्यादा बलवान बनाने के लिए, इसको और ज्यादा प्रभावी करने के लिए अपने दोनों लोगों की पिक्चर के ऊपर आपको गुलाब का खूब सारा इत्र लगा देना है और नहाने के पानी में गुलाब की पंखुड़ियों को मसल के डालें और ज्यादा उसमें गुलाब जल भी डाल लें तो आपके लिए और ज्यादा अच्छा होगा। जब आप स्नान करें तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप जिसे प्रेम करते हैं वो आपके रग रग में विद्यमान है, जैसे हम भगवान को समझते हैं, जैसे ईश्वर को, जैसे भगवान को हम महसूस कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ये है दूसरा तरीका, इसको भी आपको सेम तरीके से, सेम डे से स्टार्ट करना है, यानी शुक्रवार के दिन से। इस कार्य को और ज्यादा सर्वोच्च स्तर पर मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना होगा कि आपको बहुत हाई क्वालिटी गुलाब का इत्र लेना है, बहुत हाई क्वालिटी गुलाब का इत्र लेना है और उसको पहले सबसे
जो भी आप पात्र इस्तेमाल कर रहे हैं उस पात्र में पूरी तरह से अंदर की ओर लगा दीजिए। अंदर का कोई भी भाग खाली ना बचे, ऐसा लगना चाहिए जैसे आपने सब जगह उसको रगड़ा है, सब जगह लगाया है। अच्छा, गुलाब का इत्र थोड़ा थिक होगा, थोड़ा गाढ़ा मिलेगा, इसलिए आपको पहले से बता दे रहा हूं। उसे लेकर के अंदर के पात्र में पूरे लगा दीजिए, फिर दोनों फोटो में लगाइए, दोनों फोटो को आपस में स्पर्श करा के, और कोई ऐसा लाल कलर का पॉकेट बनाइए जिसमें उस फोटो को रखा जा सके। फोटो को रखें और खूब सारी चारों तरफ से गुलाब की पंखुड़ियां अंदर भर दीजिए, उसको पूरा पैक लगना चाहिए, उसके लिए जगह ना बचे, पर बहुत फूला फाला नहीं हो, बहुत ज्यादा टाइट नहीं लगे, अजीब सा ना लगे, बहुत सुंदरता से बड़े अच्छी तरीके से करिएगा इस कार्य को। और वो जो भी आपका कपड़ा होगा वो सूती या ऐसा रखिएगा जो पानी में गीला होने के बाद खराब ना हो। उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियां आपको डाल देनी है। इन गुलाब की पंखुड़ियों को किसी भी ऐसी चीज से ढकना है कि अंदर कोई कीड़े पतंगे ना जाए, बस इनको पूरी तरह से 21 दिन तक सूखने देना है। जब ये खूब अच्छी तरीके से सूख जाए, पूरी तरह से सूख जाने दीजिए, और आपका इस्तेमाल शुरू होगा 21 दिन बाद से। लेकिन एक काम और खास रहता है इसमें, जिस दिन से आप ये कार्य शुरू करेंगे डेली आपको उसको अभिमंत्रित करना है, डेली मंत्र डालना है ताकि वो और पावरफुल हो जाए। आपको अपने मन में ये सोचना है कि मैं अपने चाहने वाले या चाहने वाले को अपने वश में कर रहा हूँ, मैं अपने चाहने वाले या चाहने वाली को पूरी तरह से अपना बनाना चाहती या चाहता हूँ, ऐसा मन में संकल्प करना है और बार बार एहसास करते रहना है। और आपको एक मंत्र बताता हूं, उस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को मैं डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, हर बार रह जाता है, आप लोग याद दिलाते हो फिर मैं करता हूं, इस बार मैं डेफिनेटली लिख रहा हूं। लाइव से हटते ही, जब भी लाइव खत्म होगा तो मैं इमिजिएटली लिखूंगा, क्योंकि वो मुझे अभी नहीं आता डिस्क्रिप्शन में पहले से कैसे लिख के रख सकते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूं, सीख रहा हूं, सीखूंगा तो फिर वो भी करूंगा। तो मंत्र होगा ओम यम यम चिंतयते काम, यम यम चिंतयते काम, तम तम प्राप्तनोति निश्चितम्, परम ऐश्वर्यमतुलम्, परम ऐश्वर्यमतुलम्, प्राप्तते भूतले पुमान। जय माता दी। इस मंत्र का खूब रोज पाठ करना है, खूब मगन होकर के, खूब आनंदित होकर के उसको बोलना है, और ये एहसास करना है अंदर कि तुम्हारा काम हो रहा है धीरे धीरे। फिर जब ये पंखुड़ियां सूख जाएंगी, अंदर की फोटुएं भी अकड़ जाएंगी, अंदर की पुष्प की भी पंखुड़ियां बिल्कुल वैसी ही हो जाएंगी, तो आपको करना क्या है, अंदर की जो पुष्प की पंखुड़ियां है उस छोली वाली कुछ पंखुड़ियां उनको खिलाओ, कुछ पंखुड़ियां खुद खा लो। ददाती प्रतिग्रहणाती नानिथैसा प्रसीदती, कुछ प्यार उधर बढ़ेगा और कुछ इधर बढ़ेगा, क्योंकि प्रेम दोनों तरफ होना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे अंदर थोड़ी कमी हो तो वो भी पूर्ति हो जाएगी, है ना। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, प्रेम कैसा होना चाहिए दोनों तरफ वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूबली है प्रसादी अवध राज की, खूब जूठन छकी यार ब्रजराज की, अश्रु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। तो प्रेम बोथ साइड होना चाहिए, चाहे वो राम कृष्ण की बात हो, चाहे आपस में आप दोनों की बात हो, है ना। तो उन पंखुड़ियों को कुछ स्वयं पान करें, खुद कुछ उसे कराएं। और अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही तो हैरान मत होना, दोनों खुद खा लेना।
एक बार उनकी तरफ से, एक बार खुद की तरफ से। हमारे तो ऐसी भावनाएं हैं, हमारे यहाँ तो ऐसी कितनी सारी पूजाएं हैं कि हम दूसरों की तरफ से खुद ही खा लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं, दूसरों को पूजाएं कर लेते हैं हम तो, है ना। ऐसा भी कर सकते हो। बाकी बची हुई पंखुड़ियों को आप फेंकेंगे नहीं, खराब नहीं करेंगे, फिर से आप एक नियम प्रारंभ कर देंगे। अब आपको करना यह है कि जो भी उस बर्तन में अंदर आपने इत्र लगाया था, पंखुड़ियां तो निकाल के रख लीजिए, जो भी इत्र अंदर लगाया था उसको खूब अच्छे से पानी से धुल लीजिए, किसी पात्र में रख लीजिए, किसी शीशी में रख लीजिएगा ताकि सूख ना जाए वो, है ना। वो आपका अभिमंत्रित जल हो गया। अब आपको बार बार हर बार अपने ऊपर डालते रहना है, हर बार कोशिश करें दिन में एक बार तो डाल ही ले अपने ऊपर परफ्यूम की तरह, और कपड़ों पे मत डालना, शरीर पर डालना, नहीं हो तो अपनी यहां पर कलाई पे लगा लेना, दोनों कलाइयों पे लगाओ, कान के पीछे साइड में लगाओ, ये सब प्यार की जगह होती है, यहां लगाने से वो प्यार बढ़ेगा धीरे धीरे, आपकी तरफ से सामने वाले की तरफ जाएगा धीरे धीरे और वो वश में हो जाएगा आपके। वो जो पंखुड़ियां बची हुई ना, उसको किसी भी ऐसी चीज में रखिएगा। सही तरीका तो ये है कि एक छोटी तकिया बना लीजिए और उसके अंदर उसको भर लीजिए। वो एहसास है तुम्हारा जीवन भर के लिए, उसको अपने पास रखना शुरू कर दीजिए और सोचिए आपका विवाह हो गया है उससे और वो आपके पास है। ऐसी भावना, ऐसा चिंतन, ऐसा तरीका इस ढंग से करने वाले लोगों को 100% फल मिला है अभी तक। अब आपकी बारी है। तो चलो ये उपाय बहुत विधि से, बहुत परंपरा तरीके से, ढंग से, सिस्टम से करना और तुम सफल हो जाना, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। भगवान शिव माता पार्वती आपके जीवन में प्रसन्नता, आनंद और वैभव लेकर के आए और आपके प्यार में बहुत खुशियां बढ़े, आपका प्यार सफल हो जाए।